देखिए दोस्तों, ये जेसीबी का ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल को मैंने रिपेयर किया था। ठीक, ये देखिए प्यूरिटी वाल लग करके आ रहा है। ये ऑर्बिटल, ये पुराना मॉडल ऑर्बिटल है। पुराना मॉडल बोलने का मतलब 2008 के बाद से ये आना चालू हो गया था और 2013 तक ये चला, शायद 13-14 तक। उसके बाद इसका डिज़ाइन चेंज हो गया है, विदाउट प्यूरिटी वाल आ रहा है। और ये देखिए प्यूरिटी वाल लग करके, तो ये ऑर्बिटल क्या हो रहा था, यहाँ से सील लीकेज हो गया था ऊपर से, तो ये ऑर्बिटल का हमने सील चेंज किया है। बहुत आदमी बोलते हैं ऑर्बिटल रिपेयर नहीं होता है, रिपेयर करने से चलता नहीं है, लास्टिंग नहीं आता है, तो हमने इसका सील वगैरह फिटिंग किया है, चेंज किया, और इसको अभी फिटिंग करेंगे और देखेंगे ये कैसा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे पहले हाइड्रोलिक पम्प रिपेयरिंग का तो वीडियो आपने बहुत देखा होगा। ठीक, और हमारा जो है हाइड्रोलिक पम्प रिपेयरिंग का भी बहुत आदमी बोलते हैं जेसीबी का हाइड्रोलिक पम्प रिपेयर नहीं होता है, लेकिन वो पम्प भी मैंने रिपेयर करके और उसका वीडियो भी अपलोड किया। ठीक, अगर आप नहीं देखे होंगे हमारा वीडियो तो जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और स्टेरिंग रिपेयरिंग का भी, स्टेरिंग ऑर्बिटल जो है वो रिपेयरिंग का भी वीडियो बहुत सारा अपलोडेड है हमारे चैनल पे, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसको फिट करेंगे मशीन के अंदर में। देखिए मशीन में ये कहाँ पर फिट होता है, ये यहाँ अंदर में नहीं दिख पा रहा है, यहाँ से देखिए वहाँ पर कॉलम का कुछ निकला हुआ है। ठीक है, स्टेरिंग कॉलम, तो उस जगह पे इसको फिट करते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए 16 नंबर का बोल्ट लगेगा, 16 नंबर का 4 बोल्ट से माउंट होता है, काफ़ी तकलीफ है अंदर में इसको उठा करके फिटिंग करना। तो चलिए इसको फिट करते हैं। तो देखिए और विटल को फिटिंग करने के लिए हमने एक रस्सी का सहारा लिया है और रस्सी को बांध करके ऊपर में इसको फंसा दिए। और देखिए यहाँ पर जो ये जो होल जो दिख रहा है, ये दोनों स्टेरिंग के लिए लेफ्ट राइट, और नीचे वाला जो है ये कंट्रोल वाल में चला जाएगा। और इस साइड में जो दिख रहा है, ठीक, यहाँ पी लिखा हुआ है, वो हाइड्रोलिक पंप से आएगा। और उसका साइड में देखिए एक दिया हुआ है छोटा सा, वो जो है रिटर्न में टी टैंक दिया हुआ है। ठीक, तो इस टाइप का यहाँ पे कनेक्शन होता है। ठीक, टैंक के लिए वो सब जगह का लिखा हुआ है, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, और कंट्रोल वाल का कंट्रोल वाल में। ठीक, ये देखिए यहाँ लेफ्ट राइट लिखा हुआ है यहाँ पे कनेक्शन। ठीक, आर और एल, ऊपर में एल है, नीचे में आर है, तो ऐसे आपने होस का कनेक्शन कर देंगे। ठीक, और देखिए रस्सी कहाँ से फंसाया हूँ उसको देखिए, एक सपोर्ट रस्सी देखिए ऊपर से ऐसे जा करके नीचे आया हुआ है। क्या होता है कि अंदर में पकड़ने में बहुत ही असुविधा होता है, इसलिए रस्सी वहाँ लगा देते हैं और रस्सी लगा करके इसको फिटिंग करते हैं, बहुत ही आसान से फिटिंग हो जाता है। और देखिए इसका अंदर से 16 नंबर का बोल्ट, वो अंदर से इसको टाइट करते हैं, काफ़ी मुश्किल से टाइट होता है, जगह नहीं है। ठीक, चलिए सब टाइट कर लेते हैं, उसके बाद इसका टेस्टिंग करेंगे, हमने जो इसको रिपेयर किया वो कैसा रिपेयर हुआ है। दोस्तों फाइनली अपना वो ऑर्बिटल पूरा फुल फाइनल टाइट हो गया है, जितना होस पाइप वगैरह था सब होस पाइप कनेक्शन कर दिए। और एक ये सिलेंडर खोल कर रखा थे, सिलेंडर मतलब इसका सील वगैरह लीकेज था, तो सील भी लगा दिए। और मशीन को अभी स्टार्ट करते और देखते कैसा अपना स्टेरिंग काम कर रहा है। ये मशीन को स्टार्ट कीजिए, ये देखिए स्टेरिंग अपना कितना अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया अपना स्टेरिंग भी मूव हो रहा है अभी। तो लास्टली अपना स्टेरिंग सक्सेस हो गया, ऑर्बिटल बनाना जो है, हमने जो ऑर्बिटल रिपेयर किया बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। देखिए हमारे एरिया में कोई ऑर्बिटल रिपेयर करता नहीं है, सब लोग चेंज कर देते हैं, और मैं कभी ऑर्बिटल चेंज करता नहीं, सबको रिपेयर करके ही लगाता हूँ। ठीक, इससे क्या होता है कस्टमर का मैंने 25-30 हज़ार रुपये बचत हो जाता है। ठीक, तो चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।